एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। रेप पीड़िता से की छेड़खानी और दी धमकी। अच्छी वर्षा से बांधों में बढ़ने लगा है जल स्तर, ब्लॉक से रेल यातायात प्रभावित। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। वाठोड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला से बलात्कार किए जाने की रिपोर्ट वापस लेने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी तौसीफ खान पीड़िता के घर आया और बलात्कार का केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी तौसीफ हसन खान सद्भावना नगर का निवासी है। तौसीफ 26 वर्षीय पीड़िता का पुराना परिचित है। वह पीड़िता के साथ भागीदारी में पीओपी के सामान की बिक्री का काम करता था। 24 जनवरी को पीड़िता की शिकायत पर वाठोड़ा पुलिस ने तौसीफ के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था। पीड़िता की शिकायत के अनुसार 3 सितंबर को तौसीफ उसके घर आया, उसने केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी, पीड़िता से छेड़खानी कर फरार हो गया। दूसरी खबर, नागपुर शहर में सितंबर माह में मानसूनी बादल खासे मेहरबान दिख रहे हैं। सितंबर के शुरुआती 10 दिनों में शहर में 208.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तोतलाडो, कामठी, खैरी जलाशयों में इस सप्ताह जलस्तर बढ़ा है। मानसून में होने वाली सामान्य वर्षा से 22% अधिक बारिश अब तक दर्ज हुई है। शहर में मानसून में औसतन 951.4 मिलीमीटर बारिश होती है। इसी बीच राहत देने वाली बात यह है कि इस तोतलाडो और कामठी खैरी जलाशयों से नागपुर शहर में जल आपूर्ति होती है, उसका भी जल स्तर बढ़ने लगा है। शुक्रवार तक तोतलाडो व कामठी खैरी में जल भंडारण बढ़कर क्रमशः 72.2 और 59.57% जा चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से जारी डाटा में इसकी पुष्टि की गई। तीसरी खबर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत जयराम नगर और लाठिया रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया गया है। इससे कई ट्रेनों का टाइम टेबल बिगड़ गया है। तदनुसार 11 सितंबर को ट्रेन गेवरा रोड इतवारी स्पेशल गेवरा रोड से 1 घंटे देरी से रवाना हुई। 11 सितंबर को गोंदिया झारसुगड़ा मेमू स्पेशल गोंदिया से 2 घंटे 15 मिनट देरी से छूटेगी। इसी प्रकार 11 सितंबर को कुर्ला हावड़ा ज्ञानेश्वरी स्पेशल नागपुर और बिलासपुर में 45 मिनट के लिए रोक कर रखी जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से इस परिवर्तन को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है। इसी के साथ देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।